जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे हम लोग ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ का, डिटेल समझेंगे इस वीडियो में। मैं आपको बताऊं कि शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए सिर्फ स्टॉक ही एक जरिया नहीं है कि आप स्टॉक में पैसा लगाएं और जब स्टॉक का प्राइस बढ़ा तो आप पैसे कमा लें। पैसे कमाने के और भी जरिए हैं शेयर मार्केट में, जैसे आप आईपीओ के जरिए पैसा कमा सकते हैं, बाई बैक के जरिए पैसा कमा सकते हैं, कंपनी के डिविडेंड देती है उसके जरिए पैसा कमा सकते हैं, तमाम तरह के प्रोटेक्शन होते रहते हैं इसके जरिए आप पैसे कमा सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके, उसी में से एक तरीका है आईपीओ। आईपीओ बहुत ही सेफ एंड सिक्योर तरीका है पैसा कमाने का, क्योंकि इसमें क्या होता है, आप अप्लाई करते हैं तो या तो आपको आईपीओ अलॉट होता है यानी कंपनी के शेयर्स मिल जाते हैं, और अगर आपको आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपको पूरे पैसे वापस मिल जाते हैं, कुछ उसमें डिडक्शन नहीं होता है। तो इसलिए आईपीओ को सबसे सिक्योर चीज माना जाता है शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए। तो समझते हैं कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पहले हम लोग इस आईपीओ का डिटेल ले लेते हैं, लास्ट में मैं अपना रिव्यू इस आईपीओ के प्रति आपको बता दूंगा। देखिए अभी आईपीओ ओपन हुआ है 2 अगस्त से, यहाँ पे देख लीजिए, और आईपीओ क्लोज हो जाएगा 6 अगस्त को यानी कि ट्यूजडे को। अब देखिए आपको अप्लाई करने के लिए मंडे और ट्यूजडे दो ही दिन है, यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जो ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ है ये वो आईपीओ नहीं है जो कंपनी उबर या ओला का कार आप देखते हैं वो नहीं है, बल्कि ओला इलेक्ट्रिक ये जो कंपनी है ये बेसिकली बैटरी बैटरी बनाती है, इलेक्ट्रिक बैटरी बनाती है, जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलती हैं उसके लिए कंपनी बैटरी बनाती है। तो काम को तो काफी बढ़िया है, इस काम का हमेशा डिमांड रहेगा, लेकिन क्या है कि ओला इलेक्ट्रिक जो कंपनी है अभी नुकसान में है, घाटे में, और कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि और आगे कंपनी प्रॉफिट में आएगी इसका भी चांसेस बहुत कम है। तो इसलिए थोड़ा सा निगेटिव माहौल तो इस आईपीओ के प्रति बना ही हुआ है मार्केट में, फिर भी आपको अप्लाई करना है कि नहीं लास्ट में आप सुन लीजिएगा। देखिए जैसे आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि आपको बेसिक अलॉटमेंट हो जाएगा 7 अगस्त को यानी कि वेडनेसडे को, और जिसको मान लीजिए अलॉटमेंट नहीं हुआ उसका पैसा क्या होगा, रिफंड हो जाएगा 8 अगस्त को यानी कि थर्सडे को। इसमें काम बहुत तेजी में होता है, और जो आपको अलॉटमेंट होगा शेयर्स का वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे सेम डे यानी कि 8 अगस्त को, जिस दिन जिसका पैसा मिलेगा जिसको आईपीओ नहीं मिला है। और इस जो आईपीओ के जरिए कंपनी नया शेयर मार्केट में निकाल रही है इसका लिस्टिंग हो जाएगा, आपको बीएससी और एनएससी दोनों पर इसकी लिस्टिंग होने वाली है, ये लिस्टिंग हो जाएगी 9 अगस्त को, यानी कि 2 अगस्त से लेकर तकरीबन 10 अगस्त के बीच तक सारा काम इसमें हो जाएगा। अब देखिए एक चीज समझिए कि अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो कितना रुपया आपको देना पड़ेगा। रिटेल कैटेगरी के लिए जो प्राइस बैंड रखा गया है 72 रुपये से 76 रुपये प्रति शेयर रखा गया है, और आपको लॉट में शेयर बाई करने होते हैं। तो लॉट में इस कंपनी का लॉट है 195 शेयर का एक लॉट है, यानी कि आपको कम से कम 195 शेयर्स बाई करने होंगे, और 195 शेयर्स आप किसी भी प्राइस पे बाई कर सकते हैं 72 रुपये से लेकर 76 रुपये के बीच में। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप हमेशा मैक्सिमम प्राइस बैंड सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि यदि आप लोअर प्राइस बैंड सिलेक्ट करेंगे तो आपका मिलने का आईपीओ अलॉटमेंट होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि आईपीओ के शेयर्स जो होते हैं ना वो गिने चुने होते हैं, फिक्स होते हैं। यहाँ पर जैसे देखेंगे तो तकरीबन 80 करोड़ कंपनी शेयर्स मार्केट में नया निकाल रही है, और इस 80 करोड़ शेयर से कंपनी 6145 करोड़ रुपए मार्केट से जुटाने जा रही है। अब समझिए इस 80 करोड़ शेयर्स में से लोग जब अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, लोगों की संख्या, नंबर ऑफ बिट्स जो होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, तो आपको अलॉटमेंट तब होगा या अलॉटमेंट होने का चांसेस तब होगा जब आप मैक्सिमम प्राइस पे बिट लगाएंगे। कंपनी ये जो आईपीओ लेकर आ रही है इसमें इतने शेयर्स कंपनी निकाल रही है, इसमें से कुछ शेयर्स फ्रेश इशू है, कुछ शेयर्स ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल का सीधा मतलब होता है कि इसमें से जो शेयर्स ऑफर फॉर सेल के लिए आए हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो 8,49,41,997 शेयर जो है ऑफर फॉर सेल के लिए हैं, मतलब ये शेयर को बेचने से जो पैसा आएगा वो सीधे कंपनी के जेब में, कंपनी के प्रमोटर्स के जेब में जाएगा, यानी कि इस पैसे का यूज कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में नहीं करेगी। जबकि जो फ्रेश इशू होता है इसके जरिए जो कंपनी शेयर बेचती है और इससे जो पैसा मिलता है इसका यूज कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में करती है, कर्जे को कम करने में करती है। अब ओवरऑल बात समझिए, ओला इलेक्ट्रिक जो आईपीओ है इसमें एक चीज सबसे बढ़िया है कि यदि आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो आपको 7 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि जो आप 76 रुपये पे कर रहे थे बाई करने के लिए उसमें 7 रुपये कम हो जाएंगे, और आपको सिर्फ और सिर्फ ये 1769 रुपीज के हिसाब से पे करना होगा। तो ये सिर्फ उसके लिए बेनिफिट है जो इस कंपनी के एम्प्लॉय है। अभी तक इसका सब्सक्रिप्शन देखें तो सब्सक्रिप्शन कुछ खास हुआ नहीं, क्योंकि आईपीओ में आप देखते हैं तो जो ओवर सब्सक्रिप्शन वाली बात होती है, जो जीएमपी होता है ग्रे मार्केट में, वो लास्ट दिनों में भरता हुआ आपको दिखता है। और यहाँ पे आप देख लेंगे रिटेल न्यूज़, जिसमें बताया कि एक लॉट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो 14,820 रुपये देने होंगे, तकरीबन 15,000 मान लीजिए, और मैक्सिमम 13 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपको तकरीबन 1,92,660 रुपये देने होंगे।
और HNI और जो एकदम हाई इंडिविजुअल नेटवर्क है वो अपना कैटेगरी यहाँ पे देख सकते हैं, कितना अप्लाई कर सकते हैं, कितना रुपए लगेगा। अब समझिए इस IPO में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पर्सनली मैं तो इस IPO में नहीं अप्लाई करने वाला हूँ, क्योंकि माहौल काफी निगेटिव बना हुआ है इस IPO को लेकर, और जिस हिसाब का जिससे कंपनी का मैनेजमेंट का खुद कहना है कि फ्यूचर में कंपनी प्रॉफिट में आते हुए नहीं दिख रही है, तो जब खुद मैनेजमेंट ये बात को मान रहा है कि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होगी, तो जो कंपनी प्रॉफिटेबल जिसके होने के चांसेस नहीं है हम उसमें पैसा क्यों लगाए, हमारा पैसा रिस्क में बना रहेगा। और ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी कुछ खास हलचल नहीं है इस IPO को लेकर, तो इसलिए इसमें पैसा लगाना मुझे नहीं लगता कि फायदे का सौदा साबित होगा। बाकी यदि आप लगाना चाहते हैं तो रिस्क ले सकते हैं, मैं पर्सनली इसको अवॉइड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ इस IPO के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी समझ में आया होगा। मन में कोई भी सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो चलिए धन्यवाद, शुक्रिया।